अगर आपको मसल गेन करना है तो आपको 1 ग्राम प्रोटीन के करीब चाहिए है, 1.2 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो लोग 100-100 ग्राम तक प्रोटीन खाते हैं, उसकी वजह से उनको कोलेस्ट्रॉल की वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और साथ ही में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स हो जाती है। एज अ डाइटिशियन आप क्या सजेस्ट करती हैं अपने जो भी आपके पास आते हैं कि कितना प्रोटीन लेना चाहिए? और जो डब्बे का प्रोटीन है, स्कूप, प्रोटीन स्कूप, वो ऐसा होता है कि एक डाला ठीक है, दो डाला ठीक है, 3-4 स्कूप एक बार में आदमी प्रोटीन इंटेक करता है, उसका क्या असर पड़ता है बॉडी पे? बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रोटीन की वजह से ही बॉडी में ग्रोथ होता है। जो मसल्स होते हैं हमारे वो भी बेसिकली प्रोटीन से ही डिवेलप होते हैं, तो प्रोटीन की ज़रूरत तो बॉडी को बहुत होती है। प्रोटीन के लिए हम एज अ डाइटिशियन हम जनरली या तो फिर एग को बोलते हैं, अगर जो क्लाइंट है वो नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज बोलते हैं, और वेजिटेरियन सोर्सेज में आपका नट्स एंड लेग्यूम्स और दालें जो होती हैं वो आ जाती हैं, साथ में दूध, दही, छाछ, पनीर, ये सब आ जाता है। अब डब्बे की बात आई तो वे प्रोटीन आजकल बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, वे प्रोटीन का नाम बहुत लिया जा रहा है। वे प्रोटीन होता क्या है, जब हम दूध को फाड़ते हैं तो उसकी पनीर अलग हो जाती है और उसका पानी जो बचता है दैट इज़ योर वे वाटर, उसी को सुखा के उसको आइसोलेट करके मतलब ज़्यादा अमाउंट में और उसी को डब्बे में बंद करके हम लोग वे प्रोटीन बेचते हैं। उसका बायोलॉजिकल वैल्यू अच्छा होता है, लेकिन एक स्कूप प्रोटीन में करीब कहा जाता है 22 से 24 ग्राम एक स्कूप ऑफ वे पाउडर में 22 से 24 ग्राम प्रोटीन होता है, उतना ठीक है जितना बॉडी आपके अब्सॉर्ब और डाइजेस्ट और अब्सॉर्ब कर ले रही है उतना इज़ ओके। लेकिन कई बार होता क्या है कि एक चम्मच शाम में खाया, एक चम्मच सुबह खाया, एक चम्मच दिन में खाया, या उसको डबल भी कर देते हैं, तो उससे होता क्या है कि बॉडी उतना ही प्रोटीन जितना उसको ज़रूरत होता है उतना मेटाबोलाइज करती है, बाकी का जो किडनी होती है वो उसको एक्सक्रीट कर देती है। अगर किडनी किसी तरह से एक्सक्रीट करने में सक्षम नहीं हो पाती है तो वो ही यूरिक एसिड के फॉर्म में बॉडी में जगह जगह अक्यूमुलेट होता है, जहाँ पर गाउट का या इस तरह से प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, नी पेन होता है, एंकल्स में पेन होता है, ये हो जाता है। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट जो हम लोग ने पढ़ा है कि एक नॉर्मल अगर पर्सन है तो नॉर्मल पर्सन की जो RDA मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो समवेयर अराउंड 0.83 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, तो मान के चलिए 50 से 55 के बीच में, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आजकल हम सुनते हैं कि अगर आपको मसल गेन करना है तो आपको 1 ग्राम प्रोटीन के करीब चाहिए है, 1.2 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए, तो लोग 100-100 ग्राम तक प्रोटीन खाते हैं, उसकी वजह से उनको प्रोटीन के साथ, क्योंकि प्रोटीन अगर नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से खा रहे हैं तो उसके साथ कोलेस्ट्रॉल भी उनको मिल रहा है, फ़ैट भी मिल रहा है, उससे उनको कहीं ना कहीं फ़ैट की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि फैटी डिपॉजिशंस हो रहे हैं या कोलेस्ट्रॉल की वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और साथ ही में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो जितना हमारी बॉडी को चाहिए है उतना ही लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। मैम, प्रोटीन्स की बात हो गई, डब्बों की बात हो गई, उसके साथ साथ एक और चीज़ जो मैं देखता हूँ कि आजकल जो जिम ये मतलब न्यूज़ में रहता है कि जिम जा रहा है बंदा उसे हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम हो गई या फेंट हो गया वो एक्सरसाइज करते करते, ये क्यों होता है? डाइट की वजह से होता है या एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से होता है? ये इसके पीछे का एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता, लेकिन हाँ अगर आप सोच रहे हो कि आप दिन भर जंक खाओ, समोसे खाओ, पकौड़ी खाओ, बाहर का कचरा खाओ, मतलब जो कि फ़ास्ट फूड जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि हमें नहीं लेना चाहिए, और उसके बाद 1 घंटा जिम करके वो बराबर हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही गलत चीज़ है। क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि हम जिम जा रहे हैं, जिम में एक्चुअली होता क्या है, जब हम ट्रेडमिल पे चलते हैं या हम कोई भी हैवी एक्सरसाइज करते तो उस समय हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, तो कई बार आपने देखा होगा कि उसी टाइम पे हार्ट अटैक्स आए हैं लोगों को। तो एक तो ये रीज़न हो गई कि हमारा खाने का हैबिट की वजह से हो सकता है, दूसरी चीज़ क्या देखी गई है कि पोस्ट कोविड ये चीज़ बढ़ गई है, सो मे बी
कुछ भी कहा जा सकता है किस वजह से हुआ है। तो लेकिन हाँ, ज़रूरी ये है कि हमें अगर अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी के बॉडी पार्ट्स का फंक्शनिंग अगर ठीक करना है, तो हमको एक सही डाइट लेनी है, हमको सही से एक्सरसाइज करनी है। बहुत ज़्यादा भी नहीं कि आप इतनी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज कर लो कि आपका जितना भी आपकी कैपेसिटी उससे बाहर की एक्सरसाइज कर लो कि आपके हार्ट पर प्रेशर पड़े। लेकिन हाँ, एक नॉर्मल एक्सरसाइज जो एक इंसान को करनी होती है हर दिन, वो करना चाहिए। साथ ही में स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, और हाँ, स्ट्रेस तो